दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बासी रोटी खाने के फायदों के बारे में बताने वाले हैं। आमतौर पर आपने घर में यही सुना होगा कि बासी खाना सेहत को नुकसान करता है, इसलिए हमेशा आपको ताजा खाने की सलाह दी जाती है। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि हर बासी खाना सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कुछ खाने की चीजें ऐसी भी होती हैं जो बासी होने के बाद सेहत को ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं, जिनमें से एक है गेहूं की रोटी। हमारे भारत देश के ज्यादातर घरों में गेहूं के आटे की ही रोटी बनाई जाती है। इसके साथ ही ज्यादातर भारतीयों में जरूरत से ज्यादा खाना बनाने की आदत भी होती है, जिस वजह से अक्सर घरों में रोटियां बच जाती हैं। बची हुई रोटियां या तो फेंकनी पड़ती है या फिर किसी जानवर को खिलानी पड़ती है। लेकिन हम आपको बासी रोटी के ऐसे फायदों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें जानने के बाद आप घर में बची हुई रोटी को फेंकने के बजाय खाना पसंद करेंगे। ताजी रोटी की अपेक्षा बासी रोटी ज्यादा पौष्टिक होती है, क्योंकि लंबे समय तक रखे रहने के कारण इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेहत बनाने में लाभकारी होते हैं। तो चलिए जानते हैं बासी रोटी खाने से शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कमजोरी महसूस करते हैं, डाइट में पोषक तत्वों का सेवन नहीं कर पाते, जिससे आपके शरीर में कमजोरी आ जाती है और आप काफी दुबले पतले हो जाते हैं। शरीर में एनर्जी लेवल बिल्कुल भी नहीं रहती, थोड़े से काम करते ही थकान महसूस करते हैं। ऐसे में अगर आप अपने शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनाए रखना चाहते हैं तो बासी रोटी को अपने नाश्ते में शामिल करें। जिन लोगों में कमजोरी और थकान महसूस होती है, उनके लिए बासी रोटी एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। दरअसल बासी रोटी शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करती है, साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में फाइबर और प्रोटीन मिलेगा, जिससे शरीर को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहेगी। आप सुबह सुबह बासी रोटी दूध के साथ खाइए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जिम जाने वाले लोगों के लिए बासी रोटी बेहद ही फायदेमंद होती है। बासी रोटी में पाए जाने वाले पोषक तत्व न केवल आपकी मसल्स को स्ट्रांग करते हैं, बल्कि एनर्जी का स्रोत भी है, जो आपको कसरत करने के दौरान थकान नहीं महसूस होने देते। कई फिटनेस सेंटर और जिम में एक्सरसाइज के साथ ही सुबह बासी रोटी खाने की सलाह देते हैं। इससे आपके मांसपेशियों में मजबूती आती है और शरीर को ज्यादा एनर्जी भी मिलती है। अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो जिम जाने से 40 मिनट पहले बासी रोटी दूध के साथ खा के जाइए, आपके स्टैमिना बढ़ जाएगी। दोस्तों, डायबिटीज पेशेंट को बासी रोटी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह उठकर एक गिलास फीके दूध के अंदर बासी रोटी को डुबो देना है। दूध जो है गाय का होना चाहिए, इसमें आपको शक्कर नहीं मिलानी, चीनी नहीं मिलानी। बासी रोटी को 10 मिनट तक दूध में डुबोकर रखना है। इसको आप सुबह खाली पेट लगातार खाइए। ऐसा आप लगातार 2 से 3 महीने बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आपके डायबिटीज की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बासी रोटी डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा आप लगातार 2 से 3 महीने बासी रोटी का सेवन करते हैं तो आपके डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज आपकी जड़ से खत्म हो जाए। दोस्तों, बासी रोटी डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो भी आप बासी रोटी खाकर कंट्रोल कर सकते हो। ठंडे फीके दूध के साथ बासी रोटी खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की दवाइयां खानी पड़ती हैं, या घर में कोई ऐसे सदस्य हों जिन्हें हाई बीपी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो सुबह नाश्ते में इसका सेवन करें। ऐसा करने से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। बासी रोटी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कब्ज की प्रॉब्लम दूर होगी, और अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपका खून भी साफ होगा, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अगर आपको एसिडिटी या पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो सुबह के समय दूध के साथ इसका सेवन करें। इससे आपको एसिडिटी, पेट में जलन के साथ पेट से जुड़ी कई प्रॉब्लम से राहत मिलेगी। इसके अलावा गेहूं से बनी बासी रोटी में पाया जाने वाला फाइबर भोजन को पचाने में काफी मदद करता है, और यह पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। मोटापा को कम करने के लिए भी बासी रोटी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, हर एक इंसान के शरीर में एक मेटाबॉलिक रेट होता है। जो भी हम खाते हैं उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट होने का समय, खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट जल्दी होता है तो आप मोटे नहीं होते। लेकिन जो लोग मोटे होते हैं उनका खाया हुआ खाना एनर्जी में कन्वर्ट होने की जगह उनके बॉडी में चर्बी के रूप में जमा होना शुरू हो जाता है, और इसका मतलब ये हुआ कि उनका मेटाबॉलिक रेट कम है। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बढ़ाने के लिए आपको बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। आप लगातार 2 से 3 महीने बासी रोटी का सेवन सुबह खाली पेट करेंगे तो आपका वजन बिना किसी डाइट, बिना किसी एक्सरसाइज के कम होता नजर आएगा।
दोस्तों नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। हालांकि कई वजहों से यह टेम्परेचर घटता और बढ़ता भी रहता है। 40 के ऊपर टेम्परेचर का होना बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में बासी रोटी खाने से बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा बासी रोटी हड्डियों को मजबूत करती है। बासी रोटी में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम बोन मैरो जूस को बनाने में सहायता करते हैं, जिससे हड्डियां काफी समय तक लचीली और मजबूत बनी रहती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए बासी रोटी जरूर खाएं। अगर आपको हाथ पैर में दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द की शिकायत हमेशा रहती है तो बासी रोटी सुबह दूध के साथ खाएं। वैसे भी सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए, तो आप जितना बासी रोटी खा सके इतना बासी रोटी जरूर खाएं। इसके अलावा दोस्तों बासी रोटी खाने से पहले आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। जैसे 12 से 14 घंटे पहले बनी गेहूं की रोटी को अगर आप खाएंगे तो ये आपको फायदा पहुंचाएगा। आप रात की बची हुई रोटी को सुबह या सुबह की बची हुई रोटी को रात में खा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पुरानी रोटी हो तो उसे नहीं खाना चाहिए। रात की बनी हुई रोटी है तो सुबह सुबह आप खा लीजिए, लगभग 8-9 बजे के आसपास सुबह इसे खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेदिक किताब अष्टांग ऋद्धयम, जिसे महर्षि वाग्भट जी ने हजारों साल पहले लिखे थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ सूत्र बनाए हैं, स्वस्थ जीवन के लिए कुछ नियम बताए हैं, उसे आप अपनाइए। जैसे कि लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, पानी पीने का नियम, सुबह जब भी आप उठो बासी मुंह बगैर कुल्ला किए बगैर ब्रश किए आपको 2 से 3 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना है। ऐसा आप लगातार पीते हो तो आपका पेट साफ रहेगा, चेहरे की चमक बढ़ेगी, आपका मोटापा धीरे धीरे कम होगा और डाइजेशन प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा खाना खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना है। पानी हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद पीना है। अगर पानी आप बीच में पी लेते हो तो खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और भोजन जो है पेट के अंदर सड़ता रहता है और उस सड़न की वजह से हमें कब्ज, एसिडिटी और बाद में बहुत सारी सी बीमारियां पैदा हो जाती है। इसके अलावा पानी कभी भी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, पानी हमेशा बैठकर सिप सिप करके पीना चाहिए और भोजन हमेशा चबा चबा कर आराम से करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हो तो पूरे दिन हल्का गुनगुना पानी पीजिए, इससे आपका मोटापा बहुत ही जल्दी कम होता नजर आएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप बासी रोटी खाते हो तो कमेंट्स कर बताना कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिलता है, और अगर नहीं खाते हो तो आज से खाना शुरू कर दीजिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।